समय शुरू होता है अब। सभापति महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर स्वास्थ्य सेवा योजना आरंभ करने की पहल करने वाले अनेक देशों में से भारत भी एक है। स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की आधारशिला भोरे समिति ने रखी थी, जिससे पूर्व अल्मा अता घोषणा पत्र 3 दशकों तक इस कार्य का आधार बना हुआ था। स्वतंत्रता के समय देश की स्वास्थ्य सेवाओं का मूल स्वरूप मुख्य रूप से नगरीय जीवन और चिकित्सा पर आधारित था, जो रोगी इन अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर आते थे, उनकी चिकित्सा मात्र उनका रोग ठीक करने के लिए की जाती थी। इन स्वास्थ्य सेवाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच अत्यंत सीमित थी, क्योंकि उस समय रोगों की रोकथाम संबंधी सेवाएं सीमित मात्रा में थी। पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक, उच्चतर तथा अन्य प्रकार की चिकित्सा केंद्रों के निर्माण और उन्हें उचित रेफरल प्रणाली से जोड़ने के प्रयास आरंभ किए गए। आम जनता की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम बनाए गए और उन्हें लागू किया गया। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ज्ञात मृत्यु दर, जो 1951 में 27 थी, 1955 में घटकर 9 रह गई। लेकिन छूत की बीमारियों और पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों की दर में कमी नहीं आई। इसके अलावा HIV जैसे संक्रामक अन्य कई तरह के रोगों के फैलने से अस्वस्थता दर बढ़ी। पिछली 9 योजना अवधियों में पूरे देश में ग्रामीण प्राथमिकता स्वास्थ्य देखभाल के मूलभूत ढांचे का निर्माण किया गया है। पर्याप्त मात्रा में उपकेंद्र तथा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं, जिससे 9वीं योजना के अंत तक राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक इस बारे में बनाए गए थे वे पूरे हो जाए। पर्याप्त मात्रा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को प्रभावपूर्ण आपात सेवाएं उपलब्ध हो सके। लेकिन इन मूलभूत सेवाओं में प्रायः कर्मचारियों की कम संख्या एक बड़ी बाधा रही है, और प्रमुख कर्मचारियों की कमी से स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण एवं प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावशाली तरीके से लागू करने में कठिनाई उत्पन्न हुई है। एक समस्या और भी है, और वह है इन 3 स्तरों वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बीच कारगर निर्देशात्मक सेवाओं की स्थापना, कर्मचारियों की संख्या को भी निर्धारित करने की आवश्यकता है।